हेलो नमस्ते। आप सभी का स्वागत है डिजिटल योगा फेस्टिवल में, जिसका नाम है जड़ से जुड़। मेरा नाम डॉक्टर निर्मला शेट्टी है। मैं एक नेचुरोपैथ भी हूँ और हेल्थ कोच भी। आज मुझे मौका मिला है हेलो स्वास्थ्य के माध्यम से आपसे कुछ बातें करने के लिए। नेचुरोपैथ होने के वजह से और हेल्थ कोच होने के वजह से मैंने हर चीज़ जो मेरे स्पाज में यूज़ किया है, हर एक सी चीज़ नेचुरल है, नो केमिकल्स, 100% नेचुरल। और ये कब हो सकता है? जब हम खुद बनाए, खुद पीस के लगाए। तो यही कॉन्सेप्ट मेरा चलते आया है एंड पीपल हैव लाइक्ड इट एंड आई फील इवन यू शुड स्टार्ट डूइंग इट एट होम। अब चलो शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है? आप जानते ही होंगे, तो मुझे बोलना है कि आपका सबसे बड़ा ऑर्गन आपका स्किन है। और क्या आपको पता है कि स्किन खाती भी है? स्किन ईट्स, एंड व्हेन द स्किन ईट्स इट अब्सॉर्ब्स एवरीथिंग दैट यू अप्लाई। सो जब आप डाइट का सोचते हैं, जब आप सोचते हैं कि आज मैं क्या खाना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए, तो यू आर वेरी केयरफुल। आप इतना ख्याल से आपके फूड पे ध्यान देते हैं, डाइट पे ध्यान देते हैं, बट कभी आपने चेहरे पे क्या लगाते हो या बालों पे क्या लगाते हो, इसका ध्यान दिया है? और अगर ध्यान भी दिया है तो ये सोचा है कि चलो यू वेंट एंड यू बॉट इट फ्रॉम द शॉप, बट हैव यू गॉन थ्रू द इंग्रेडिएंट्स? सोचा है कि इसमें क्या लिखा है? क्या यही चीज़ें जो हम लिखते हैं, क्या आपको अगर हम प्लेट में दे खाने के लिए आप खा सकते हैं? नहीं। इसीलिए मेरा यह विश है कि आप सभी लोग कुछ ऐसी चीज अपने चेहरे पे लगाए जो खाने लायक हो और एडिबल हो। सो लेट्स टॉक टुडे, स्पेशली जो लॉकडाउन चल रही है, तो आप लोग का बहुत ही प्रॉब्लम होगा कि हम क्या करें बालों को, मेरे बाल जड़ रहे हैं, मेरे बालों में प्रॉब्लम है। कोई कहता है मुझे मेरी स्किन इतनी खराब हो चुकी है बिकॉज होल डे आई एम इन द किचन एंड आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तो अब क्या करें? तो सबसे अच्छा इलाज ये, अब किचन में ही हो तो किचन के इस इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करें। और किचन इज लाइक अ ट्रेजर हाउस। चलो हम अपने पुराने समय तक जाएं, जब इतने दूर तक की महलों में भी यू नो क्वींस यूज टू यूज हल्दी और चंदन का पेस्ट या रोज पेटल्स का पेस्ट, दूध से नहाते थे। क्यों? क्लियोपेट्रा का ही सोच लीजिए, वो तो गधी के दूध से नहाती थी और उसकी स्किन तो इतनी अच्छी थी, सो ग्लोइंग, सो हेल्दी। एंड बिलीव मी, शी वॉज नॉट इवन वेरी फेयर, शी वॉज यू नो व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, बट हर स्किन जस्ट यूज टू ग्लो। चलो हमें अभी तो वी वोंट गेट एनी सॉर्ट ऑफ डोंकीज मिल्क हियर, बट डेफिनेटली वी कैन लुक एट इवन बेसिक मिल्क और कर्ड टू वॉश एंड क्लेंज योर फेस। सो लेट्स गो डाउन टू योर किचन वेयर यू कैन सी हंड्रेड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड एवरी थिंग। हर एक चीज में कुछ ना कुछ उपाय है। स्किन प्रॉब्लम को ले लो या बालों की प्रॉब्लम को ले लो, सब में कुछ ना कुछ उपाय है। लेट्स टॉक अबाउट द हेयर फर्स्ट। अभी बालों बाल जब जड़ते हैं या आपको हेयर लॉस है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा एक पर्टिकुलर कारण तो आप बोल नहीं सकते। हॉर्मोनल इम्बैलेंस होती है, स्ट्रेस होती है, नींद ठीक से नहीं आती है, या सिर्फ किसी किसी को जेनेटिक इश्यूज होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ना करें उसके लिए। तो चलो किचन से कुछ ले लो और बना लो। तो आप क्या क्या लगा लेंगे? किचन में आपको नारियल तो मिलता ही है, ठीक है? नारियल के गुण तो इतने अच्छे हैं कि आप उसे हर चीज में यूज कर सकते हैं। उसके दूध यूज कर सकते हैं, उसकी पानी, उसकी तेल, उसकी पल्प, एवरीथिंग इज सो यूजफुल। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वॉट विल हाउ विल यू मेक अ पैक विच विल हेल्प योर हेयर लॉस, विच विल हेल्प योर मेंटेन योर हेयर टेक्स्चर एंड विच विल मेक इट शाइन। एक एडवांटेज हर्बल या नेचर में एक बात है कि आप एक इंग्रेडिएंट भी ले लो, उसमें बहुत सारी खूबी है। तो अगर आप करना चाहते हैं नेचुरल ट्रीटमेंट, तो आपको क्या करना है? एक हाफ कप मेथी लेना है, फेनुग्रीक, और इसको भिगाना है रात को। भिगो के मॉर्निंग में आपको इसको कड़ी करी लीव्स, कड़ी पत्ता जो होती है,
इसको मिलाना है, से अ हैंडफुल ऑफ इट, करी लीव्स, इसमें आप डाल सकते हैं दो नीम के पत्ते अगर आपके गार्डन में है तो, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो कोकोनट मेथी, एंड यू कैन ऑल्सो एड अ लिटिल बिट ऑफ कोकोनट वाटर इन टू इट एंड ग्राइंड इट इन टू अ पेस्ट। जब ये पेस्ट निकलेगा इसको थोड़ा वाटरी करें ताकि इसको छान के आप अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। तो सिर्फ दो ही चीज़ों में भी आपके बालों में फ़र्क आ जाएगा। इसमें विटामिन्स है, मिनरल्स है, एंड काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो आपके बालों को हेल्दी करेगा। फेनुग्रीक इज डेफिनेटली गुड फॉर स्ट्रेंथनिंग योर फॉलिकल्स, सो प्लीज़ यूज इट एज मच एज यू कैन। इट हैज़ प्रोटीन ऑल्सो विच इज़ गुड फॉर योर हेयर। Now, if you look at coconut, it's not only good for your hair, but it's also good for your skin. You can use it instead of milk for washing your face. So much of antioxidants, and it softens your skin. So you see, one particular fruit, coconut, is useful for so many things. Okay, now I'll just speak to some people here. If any questions are there, किसी ने लिखा है गौरव की oily face के लिए क्या use करना चाहिए? देखो, पहली बात यह है कि हम अक्सर क्या करते हैं, सोप लगाते हैं। सोप से यू गेट अ वेरी स्क्वीकी क्लीन फीलिंग, बट सोप क्या करता है, आपके चेहरे को एल्कलाइन कर देता है। व्हाट वी नीड टू डू इज टू मेक योर स्किन एसिडिक। जब वो एसिडिक होगा तो बैक्टीरियल अटैक्स कम होंगे। तो चलो हम ये लगाते हैं, बटर मिल्क लगा सकते हैं, यू कैन पुट क्यूकम्बर जूस, वेरी गुड एस्ट्रिंजेंट, यू कैन यूज एनीथिंग एक्चुअली एज अ क्लेंजर, इवन पोटेटोज आर गुड एज क्लेंजर्स, सो एनी जूस ऑफ इट इज फाइन। दूसरी चीज़ तो एकदम सिंपल है जो आपके सबके घर में होती है, लाइक ग्रीन मूंग दाल, मसूर दाल, यू कैन ग्राइंड दैट एंड मिक्स इट विद आलमंड पाउडर और मिक्स इट विद ओट्स पाउडर एंड बॉटल इट एंड यूज इट एज अ क्लेंजर। नाउ द पाउडर कैन बी यूज, यू कैन ऐड इन टू इट मिल्क, यू कैन ऐड कर्ड इन टू इट, इट सर्व्स एज अ वेरी इफेक्टिव क्लेंजर। Okay, now Nidhi Sinha, what is good to apply for a dusky skin? I think dusky skin is one of the best skins because so much of melanin which can protect you from so many other things. It can protect you from sunburn too. So don't be, you know, don't feel bad about the dusky skin. Believe me, I too am very dusky and I am proud of my skin. So I would like you to say don't go for always fairer looking skin. If you're dusky, love it, just make it healthy. Okay, another important thing now. When people are dusky or not dusky, they often end up with a pigmentation problem. Like somebody has asked me what to do for pigmentation. So pigmentation is something which can again happen due to hereditary reasons. It can happen due to, you know, genetic or hereditary, what I said, but also due to sun exposure. It can happen due to use of, you know, spurious cosmetics. Ya to aap ye bhi kar sakte hai, aap jyada bleaching karte honge, to bhi pigmentation badh sakta hai. कभी कलर लगाने के वजह से भी पिगमेंटेशन आ सकती है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल रेमेडीज इज पोटेटो, बादाम का पेस्ट, और दूसरी बात ये भी कर सकते हैं कि कैरेट जूस। कैरेट जूस है सो मच ऑफ कैरोटीन इन इट एंड इट इज सो गुड टू मेक योर स्किन हेल्दी। सो जस्ट ग्रेटेड एंड मसाज द जूस। योर स्किन रिक्वायर्स विटामिन सी टू कंट्रोल एजिंग, बस ऑरेंज जूस लगा लीजिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको मिक्सर में डालें फिर पीसे, बस ऑरेंज को काट दीजिए, स्क्वीज कीजिए और उतना ही जूस, जो दो चम्मच हो या तीन चम्मच, इसको लगा दीजिए। तो रोज कुछ ना कुछ करने से काफ़ी फर्क आने लग जाता है। अक्सर लोग नेचुरल में विश्वास खो देते हैं इसलिए कि टाइम लगता है एंड पीपल आर नॉट हैविंग द पेशेंस, दे फील इट इज़ बेटर कि हम जाके जल्दी से ब्लीच कर ले और अपना स्किन को क्लियर कर दे। बट ये बहुत हानिकारक है एंड आई विश कि आप ये नहीं करें। सिर्फ ऑरेंज, कैरेट जूस, पोटैटो जूस से भी बहुत फर्क आता है। हेलो सुबह लक्ष्मी, हेलो, आई कैन यू टेल मी समथिंग ऑन फ्रेकल्स? अगेन, फ्रेकल्स के लिए भी यही पोटैटो जूस इज़ वेरी यूजफुल। इसमें आपको ये भी लगा सकते हैं जैसे कि नटमेग, नटमेग इज़ अनदर थिंग, जायफल, जायफल जो कहते हैं, इसको हल्के से घिसने से भी आप लगाएंगे फ्रेकल्स पे तो वो भी हल्के से निकलने लगेंगे। But don't expect कुछ भी overnight. Hello Usha. So the most important thing is nutmeg can be applied, masoor dal can be applied for pigmentation and freckles. So there are so many things simple from your kitchen. Now look at hair issues where you can use onion juice. You all must have heard so much, आप सुने होंगे कि लोग सब लोग
कांदे का रस, कांदे का रस या कांदे का तेल लगा रहे हैं, बट इट इज गुड बिकॉज इट इज रिच इन सल्फर। और अगर आप इसका अनियन का तेल बनाए या उसका जूस लगाए तो आपके बालों में सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, तो ये भी एक अच्छी उपाय है। तो पहले मैंने जो बोला था कि फेनुग्रीक में आप नारियल को पीस ले, ओके, और उसका जूस लगाए, तो उसको हमेशा छालनी करके लगाइए, बिकॉज कुछ भी चीज़ आप बालों पे लगाते हैं तो सीव कीजिए, छालनी न करने से उसको आपको इट में स्टिक टू योर हेयर एंड यू में काफ़ी अनकम्फर्टेबल फीलिंग होगा। तो आपको ये करना है कि हल्के से आपको मसाज भी करना है लेकिन जूस से लगाना है। हेलो मंगला, हेलो मैम, स्किन टाइटनिंग के लिए क्या कर सकते हैं? निहारिका, आई डोंट नो योर एज बट आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ ओल्ड आर यू, क्योंकि आजकल लोग वॉन्ट टू टाइटन देयर स्किन इवन बिफोर टाइम, दे आर जस्ट 20 एंड आई गेट क्वेरीज दैट आई वॉन्ट टू टाइटन माई स्किन। सी एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्यूलर स्किन लेवल एंड एवरीथिंग, यू कैन नॉट टाइटन इट इन वन डे, एंड आई एम नॉट इन फेवर ऑफ यूजिंग थिंग्स लाइक बोटॉक्स एंड ऑल। आई अंडरस्टैंड इट इज रिक्वायर्ड बाई सम पीपल हु आर इन सच एन इंडस्ट्री, बट एजिंग ग्रेसफुली इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। आई डोंट थिंक एनी वन हु हैज एज्ड इज लेस ब्यूटिफुल देन समवन हु इज यंग। सो प्लीज डू नॉट पुट वेरी सीरियस केमिकल क्रीम्स ऑन योर स्किन बिकॉज इट कैन बी हार्मफुल। Okay, hi ma'am, what should we do to have fair skin? Again, the same question. I think most people are very keen to have fair skin. I do not understand why is it necessary that you are beautiful only if you have a fair skin. You can be beautiful with a dusky skin and you only have to achieve a healthy skin. So concentrate on making your skin healthy. Hi Mangala. So I guess mostly people are interested in fairer skin, which I feel is not right. Beauty lies in the eyes of the beholder. And for me as a beautician and a skin expert, I need not tell you that everything depends on, you know, making yourself beautiful to such an extent that you go crazy. Please understand beauty means, you know, when you smile, it brings a glow to your face. So all this is very important. You only think, don't think of external beauty as the skin has to be clear, yes. It has to be smooth, yes. But do not concentrate that it has to be fair and keep bleaching and things like that. Okay, Rita says, what about dry hair? For dry hair, Rita, there again are various causes. If you have been using a lot of color or if you have been using electric gadgets to, you know, style your hair, then also you would have problem with your hair and it would go dry. The best, I mean, recipe for dry hair would be you take avocados, grind it with coconut. You know, avocados are available, they are a bit expensive, but you can use the pulp of the avocado with fresh coconut juice and apply it. You can add eggs if you love eating eggs, and you all are eating eggs rather. So that is one more thing. So this pack has healthy fats, it has moisture. You can add that. You can add aloe vera to your hair. So like I said, you can ask me any ingredient in the kitchen which will be benefit, which is definitely going to be beneficial. So we have taken onions. What about tomatoes? Tomatoes are excellent for blackheads, whiteheads. So all you have to do is rub it every day around your nose area or the area where you tend to get, jahan pe aapko blackheads hoti hai. I'm sorry, I keep going into English, but Usha Iyer has asked me, how do you take care of colored hair? Yes, now it is a necessity. Yes, everybody wants to look good. Everybody wants to think that, okay, I look young for a very long time. Nobody wants to say if they started graying early, that nobody is ready to, yani accept karna bahut mushkil hai ye baat. To kya karna chahiye, aap agar color bhi kar rahe ho to isko balance kijiye acche se. Balance means sirf oiling se nahi hota hai, isme kuch to lagana chahiye. Jaise ki maine bataya, aapko avocado se paste bana ke lagana hai, methi ka paste lagana hai, isse kafi difference aapko aane lag jayega. प्लस आपको अगर ड्राई हेयर, जैसे रीता जी ने पूछा था, ड्राई हेयर को स्कैल्प भी ड्राई होता है, तो आपको क्या करना है, आपकी स्कैल्प को थोड़ा मॉइस्ट करना है. कैसे मॉइस्ट करोगे? आप थोड़ा गर्म पानी लेके, पहले तेल के पहले आप सब पूरे स्कैल्प को मसाज कीजिए. अगर आपको पानी से कुछ नारियल का जूस है या दूध है उससे कीजिए, उसमें और भी न्यूट्रिशन आपकी स्कैल्प में जाएगा. तो डू दैट, देन अप्लाई दी ऑयल, फिर वो एवोकाडो का पेस्ट, और फिर आप शैम्पू कीजिए, ज़रूर इसमें फ़र्क आ जाएगा. दूसरे एक इलाज ड्राई हेयर के लिए एक है, जिसे हम राइस वाटर कहते हैं.
जब हम राइस पकाते हैं तो चाहे तो आप सॉल्ट मत डालिए, लेकिन जो भी पानी आता है उसको आप आपके लास्ट रिंस आफ्टर शैम्पू यूज़ कीजिए। शायद हिंदी में इसको मंद कहते हैं, बट आई एम नॉट श्योर। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, इट्स फुल ऑफ वाइटमिन्स, एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड इट हैज़ ऑल्सो प्रोटीन इन इट, सो इट्स लाइक अ टॉनिक फॉर योर हेयर। ऑलवेज यूज इट फॉर वॉशिंग योर हेयर। जैसे ये पुराने ज़माने में लोग करते थे, राइस वाटर तो कभी उसे फेंकते नहीं थे। सम पीपल यूज टू मसाज इट इवन ऑन द फेस, एंड आई फील इन अदर कंट्रीज टू, इफ यू नोटिस पीपल हैव इंग्रेडिएंट्स फेस पैक्स मेड ऑफ राइस वाटर एंड राइस बॉइल्ड राइस। सो राइस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ब्यूटी इंग्रेडिएंट। समबडी ओके, माई फेशियल स्किन इज ऑयली एंड ड्राई and it becomes mostly dry in winter season, what should I do to maintain a single? Okay, so she has mostly a combination skin. Now most often combination skin is treated as one skin, you know, when people apply a pack to ye log sirf ek hi pack lagate hain pure chehre pe jo nahi honi chahiye, because aapko combination skin hai to thoda sa jo area oily hai us pe alag pack lagaye aur jo face dry hai usko alag pack lagaye। ye difficult hota hai lekin then only आपको डिफरेंस दिखेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। हेलो उमा, हेलो संजीव, सुरेखा जानकी रामन, हाय। सो आप लोग सब नेचुरल यूज़ करके जब देखेंगे ना, तो आपको सिर्फ वक्त देना है और आपको करते रहना है। इट डेफिनेटली विल नॉट लेट यू डाउन। और क्या इलाज चाहिए आपको? सपोज आपको पफीनेस है आपके आईज में, योर आईज बिकम पफी, या आपको डार्क सर्कल्स है, तो क्यूकम्बर से भी कितना इलाज हो सकता है। तो क्यूकम्बर भी अवेलेबल है, जस्ट ग्रेट करना है इसको और अपनी आँखों पे रखना है। पटेटो भी, इसे वाटर रिटेंशन कम हो जाता है। अक्सर हम सोते हैं अपने पेट पर, जो हमारे आइस के नीचे बैग्स आ जाते हैं, तो ये बैग्स को कैसे रिड्यूस करें? सिर्फ पटेटो और क्यूकम्बर ग्रेटेड मेके जो एक कंप्रेस पे या कॉटन पे लगा के रख लीजिए, ये बहुत ही अच्छा इलाज है, लेकिन रोज करना है। और क्या सवाल है? हेलो वसंती, हेलो जिनल। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स व्हाट यू कैन डू। यू हैव एप्पल साइडर विनेगर एट होम, यू कैन यूज इट फॉर ऑयली स्किन। जस्ट डैब इट एंड अप्लाई इट ऑन द नोज और एरिया विच इज़ वेरी ऑयली और ऑन द टी जोन। सो दैट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट फ्रॉम द किचन। यू हैव टर्मरिक विच एवरीबडी नोज अबाउट इट। सबको पता है कि टर्मरिक हल्दी कितनी उपयोगी है, लेकिन हल्दी को डायरेक्ट कभी नहीं लगाना है। इसको आप इधर दूध या दही में मिलाए या एलोवेरा में मिलाए तो काफ़ी फर्क आती है। हाय ग्रेटा, हाय ममता। ओके, सो देन अनदर थिंग व्हाट आई वुड से, टर्मरिक वी हैव स्पोकन अबाउट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज मिंट। पुदीना जो होती है वेरी रिफ्रेशिंग है। अगर आपके घर में पुदीना है तो ये जिसको पिम्पल्स है वो भी लगा सकते हैं, जिनको ड्राई स्किन है वो भी लगा सकते हैं। एंड इट इज़ सो गुड, इट हैज सैलिसाइक्लिक एसिड इन इट विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर कॉम्बैटिंग एक्ने। जब आपको एक्ने हो या आपको पिम्पल्स हो, तो मिंट का पेस्ट, इसमें आप इवन धनिया का पेस्ट यानी कोरिएंडर जो होती है उसका भी पेस्ट लगा सकते हैं। ये पेस्ट लगाने से आपको ड्राइनेस भी नहीं लगेगी। नॉर्मली क्या होता है, हम ऐसे क्रीम्स लगाते हैं जो हमारे पिम्पल्स को तो निकाल देती है, लेकिन अब उसके साथ हमारी नेचुरल ऑयल्स भी निकल जाती है। तो वी हैव मेंटेन करना चाहिए अपनी स्किन की नेचुरल ऑयल, तो ऐसे पेस्ट में काफ़ी फायदे होते हैं। हेलो वंदना, हेलो कंचन, या हेलो विद्या। एनी अदर क्वेश्चंस इफ इट इज़ देयर आई विल आंसर, बट आई थिंक यू कैन ऑल्सो यूज़ सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द किचन इट्सेल्फ विच आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर दैट एनीथिंग इफ यू टेल मी ऑल्सो यू विल नो दैट दीज ऑल कैन बी यूज्ड। ओके, लुक एट सिंपल थिंग लाइक मेथी के पत्ते, फेनुग्रीक लीव्स आर ऑल्सो गुड फॉर द स्किन। इट हेल्प्स इन क्लियरिंग ब्लेमिशेस। सो उसको जस्ट पीस के लगाओ। सो वाइल नाउ ड्यूरिंग लॉकडाउन, आप जब खाना पका रहे हैं तो थोड़ा बहुत वहीं पे पीस लो, टोमेटो को घिस लो। यू आर गोइंग टू लुक फनी ऑफकोर्स, आपको देख के तो आपके घर के लोग थोड़ा चौंक जाएंगे, लेकिन थोड़ा टमाटर नोज पे, थोड़ा ऑरेंज जूस, ऐसे काम करते करते लगा लीजिए। हाय श्रुति, हाय संभवी, हाय विद्या। सो ऐसे चीज़ों से मैं सोचती हूँ, जितने लोग हमेशा एक अपने आप को एक फेवर कीजिए, रोज एक इंग्रेडिएंट आपके चेहरे पे लगाइए। क्या आपको आपके स्किन को उतना तो चाहिए, उसको नरिशमेंट चाहिए, उसको अच्छे चीज़ें चाहिए, तो भले आप बाकी के दिन आपको टाइम नहीं है, बट आपको अच्छे से अच्छा चीज़ को लगाना चाहिए।
हेलो रागिनी, हाय संध्या. ओके, देन आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिकली पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट दे आर नॉट ओनली द पिगमेंटेशन पार्ट बट दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट फ्रेकल्स, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट यू नो वॉट्स एंड दे डू गो एंड डू ट्रीटमेंट्स एवरी टाइम. सो वेन यू डू दीज ट्रीटमेंट्स रिमेंबर दे आर नॉट गोइंग टू गो फॉर एवर. ये थोड़े दिन के लिए रहता है फिर निकल जाता है. अक्सर क्या करना, ये वायरस से होता है अपने शरीर में, तो इसको अच्छे से स्क्रब करना है. जैसे कि पपाया, कच्चे पपाया का रस लगाने से ये वॉट्स थोड़े कम होते हैं. बट इसको डायरेक्ट मत लगाइए, इसको कुछ लेप में मिक्स करके लगाइए. जैसे मसूर दाल का पेस्ट हो या तो मूंग दाल का पेस्ट हो. मूंग दाल भी इतनी अच्छी है कि आप रोज लगा सकते हैं आपके फेस के लिए भी, आपके पूरे शरीर के लिए स्नान करते वक्त. ये सब चीज़ों से आपको कितने गुण मिलेंगे ना आपके इस चेहरा में. यू नोटिस एटलीस्ट यू कैन स्टॉल द एजिंग फैक्टर. तो हेलो वंदना. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट टू बी, आई एम वेरी हैप्पी टू कम टू ऑन दिस पर्टिकुलर सेशन एंड आई थैंक हेलो स्वास्थ्य फॉर ब्रिंगिंग मी हियर एंड आई वाज एबल टू इंटरैक्ट विथ यू एंड आई होप. मैं चाहती हूँ कि कल के जो प्रोग्राम है आप में, आप उसमें भी जुड़ने के लिए भूलना नहीं. धन्यवाद.